लास्ट वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपोर्ट के लिए आप लोगों को मार्केट कैसे सेलेक्ट करना है, यानी कौन सी कंट्री को टारगेट करना है फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अननोन कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की जहां ना आप किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं। ऐसे में एक सही मार्केट को चूज करना फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल। फॉर एग्जांपल, मार्केट रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है FTAs एंड ट्रेड बैरियर। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया को आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस कंट्री के इंपोर्टर को आपसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और वो प्रोडक्ट उसको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू इंपोर्टिंग इट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, USA, UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, आने वाले सालों में भी साइन करने वाली है। हमने लास्ट 5 सालों में 3 मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद मॉरिशियस, UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। Meanwhile, India and the UAE have inked a major trade pact. India and Australia has come into force. New Delhi had signed a deal with the European Free Trade Association. Create 10 lakh jobs for Indian citizens. Free trade will help in almost doubling bilateral commerce to $45 to $50. FTAs के अलावा भी ये 5 पॉइंट्स है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर सिलेक्टिंग द राइट मार्केट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताने वाला हूँ जहां से आप लोगों को मार्केट इनसाइट के साथ साथ बायर भी मिलेगा। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, बट स्टिल पूरे इंटरनेट पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई बात नहीं करना, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ द मार्केट। शुरुआत में आप लोगों को हमेशा ऐसा कंट्री चूज करना चाहिए जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी हो, जिसकी GDP ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी हो, जिसके लोगों के पास ऑलरेडी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा हाई हो। उस कंट्री में एक्सपोर्ट करके आप बहुत ही आसानी से 200-250% मार्जिन वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, USA, UK, नेदरलैंड, UAE। सेकेंड पॉइंट है टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया ऑलरेडी कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है और पहला प्रेफरेंस आप लोगों को उन्हीं कंट्री को देना है। और ये डेटा आप लोगों को बहुत आसानी से niryat.gov.in और ट्रेड कनेक्ट से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है कल्चरल सिमिलैरिटीज। एक्सपोर्ट करने से पहले आप लोगों को ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की कितनी कल्चरल सिमिलैरिटीज है। इसको पता करने के लिए आप लोग ये देख सकते हैं कि उस कंट्री में कितने इंडियंस रहते हैं, और अगर उस कंट्री में ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं तो उस कंट्री का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक होता है इंडिया की तरफ, क्योंकि किसी भी कंट्री में जहां इंडियंस रहते हैं वो उस कंट्री के टॉप इनकम कैटेगरी में ही आते हैं और सबसे ज्यादा एजुकेटेड भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक्सपोर्ट करने से पहले आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री के साथ हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कितना पास या दूर है। हमेशा शुरुआत में ऐसा कंट्री आप लोगों को चूज करना चाहिए जिसके साथ हम लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और जिसके साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड लिंक बना हुआ है, जहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को कंटेनर, ट्रक, फ्लाइट्स बहुत इजीली मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आप लोग नेबरिंग कंट्रीज को चूज कर सकते हैं इनिशियली, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, UAE। इन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इस कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को लॉजिस्टिकली बहुत कम खर्चा आएगा और उस कंट्री के इंपोर्टर को भी आपसे माल बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर तो आप कोई फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि लाइफस्टाइल बेस्ड है या होम डेकोर है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और जिसमें मार्जिन भी आप लोगों को ज्यादा चाहिए, तो आप लोगों को ऐसे में ऐसी कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए जिसकी परचेसिंग पावर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल USA, UK, कनाडा एंड दूसरी यूरोपियन कंट्रीज। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें कि मार्जिन बहुत कम है, कमोडिटी लेवल पर रॉ मटेरियल है, तो ऐसे में आप लोग एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं जहां पे लोगों की परचेसिंग पावर थोड़ी सी कम होती है बट वॉल्यूम में वहां पे एक्सपोर्ट होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने से पहले अगर आप ये देख लेते हैं कि उस कंट्री के साथ हमारा FTA साइन है कि नहीं है। अगर FTA साइन होता है तो बहुत अच्छी बात है, उस कंट्री के लोगों को आपसे इंपोर्ट करने में और भी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडिया की टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है और हम इन कंट्रीज को क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था USA, UAE, नेदरलैंड्स, चाइना एंड सिंगापुर को। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद एक एक्सपोर्ट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उस मार्केट में जेन्युइन बायर कैसे ढूंढे। यूजुअली किसी भी मार्केट में जेन्युइन बायर ढूंढने के लिए आपको उस कंट्री की B2B या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है या फिर आप उस कंट्री में होने वाले ट्रेड फेयर्स को भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हर कंट्री में कौन सा वेबसाइट पॉपुलर है एंड जेन्युइन है ये ढूंढ पाना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए alibaba.com एक बेहतरीन सोल्यूशन है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, alibaba.com से आप सिर्फ इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एडवांस एल्गोरिदम और मैच्योर टूल्स का यूज करता है, जैसे कि इनका AI ड्रिवन टूल AI का यूज करके आपको एक राइट बायर से मिलाता है। इनका डेटा एनालिटिक्स टूल
आपको बेहतरीन मार्केट इनसाइट और कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी एक्सपोर्टर हैं और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को सुपरचार्ज करना चाहते हैं तो आज ही Alibaba.com पे अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर करें। Alibaba.com पे आप लोगों को एक्सेस मिलता है मोर देन 47 मिलियन एक्टिव बायर्स का फ्रॉम मोर देन 200 कंट्रीज एंड रीजन, एंड इस प्लेटफॉर्म पे हर रोज मोर देन 5 लाख जेन्युइन इंक्वायरीज भी आती है। Alibaba.com पे मेंबरशिप लेके आप इनके सारे एडवांस टूल्स को यूज कर सकते हैं, एंड मेंबरशिप प्लान्स के बारे में और जानकारी के लिए आप इनके एक्सपर्ट्स के साथ एक कॉल अरेंज कर सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए हुए लिंक को यूज करके साइन अप करें एंड अपने एक्सपोर्ट बिजनेस एंड प्रोडक्ट को मोर देन 200 कंट्रीज के बायर्स के सामने प्रेजेंट करें। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राइट मार्केट सिलेक्ट करना है और एटलीस्ट कौन से वो पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर सिलेक्टिंग द राइट मार्केट। इसी तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एक्सपोर्ट सीरीज चला रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आगे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।